Good morning guys, in today's video I'm going to show you all my supplement stack. So I don't have my supplement stack readily available with me right now on my table. So I'm going to go to a supplement dealer, very trusted one, and buy some supplements from his shop. But before I show you all ke main kaun se supplements lene wala, I must tell you that I am in my maintenance phase और बिजनेस की बहुत सी एक्टिविटीज चल रही थी, सो आई वॉज वेरी मच कंज्यूम इन माई बिजनेस. बट नाउ आई हैव सम फ्री टाइम अवेलेबल, सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग माई गेनिंग पीरियड. और मेरा जो गेनिंग का जो टाइम होता है और जो मेंटेनेंस का टाइम होता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. मेंटेनेंस में थोड़ा कैलरी इधर उधर हो जाती है, थोड़ा चीट मील्स भी हो जाते हैं ज़्यादा, और मतलब कोई ज़्यादा अच्छी प्रोटीन डाइट नहीं हो रही होती. इट्स जस्ट अबाउट मेंटेनिंग द मसल्स. बट वेन आई गो फॉर द सीरियस गेनिंग पीरियड, I incorporate 3 supplements. और मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलता, आई ऑलवेज आस्क पीपल टू सप्लीमेंट योर डाइट, नॉट टू कंपनसेट इट. तो आई जस्ट गो फॉर 3 सप्लीमेंट, बेसिक वंस, मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर एंड BCAAs. मेंटेनेंस फेज में प्रोटीन का 1 से 1.5 स्कूप चलता है, गेनिंग में 2 से 3 भी हो सकते हैं, और यही डिफरेंस रहता है. अदरवाइज जो ज़्यादा चेंजेस आते हैं वो डाइट के अंदर आते हैं. डाइट थोड़ी क्लीन और ज़्यादा हैवी हो जाती है, और मेंटेनेंस फेज में डाइट थोड़ी चीट भी चल रही होती है, कई बार कम भी हो जाती है, और प्रोटीन टेक भी कम रहता है. कटिंग फेज का मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट गेनिंग. तो इसके अंदर 3 सप्लीमेंट्स हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो सप्लीमेंट्स के प्राइसेज हैं वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं. तो अगर आप डायमेटाइज का प्रोटीन लेते हैं या आप किसी और ब्रांड का लेते हैं, तो उसके अभी जो रिवाइज प्राइसेज हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे. और गेनिंग के लिए मैं आपको टिप्स, अगर आप कुछ मांगते हैं तो ये दूंगा. सबसे पहले कि प्रोटीन पाउडर आप 2 से 3 स्कूप से ऊपर मत रखिएगा, एक तो आपका पेट भी खराब हो सकता है. आप 2 से 3 रखो, मेरे हिसाब से 2 ही रखो. डाइट आप क्लीन रखो, फाइबर थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि जितना फाइबर खाओगे उतना पेट तो अच्छा रहता है, बट उससे गेन करने में मुझे तो प्रॉब्लम आती है, बीइंग एन एक्टोमॉर्फ मुझे तो बहुत दिक्कत आती है. तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप फ्रूट्स की जो इनटेक है उसको बढ़ा दीजिए, उसके अलावा पानी का इनटेक और बढ़ा दीजिए, और BCAA तो 1 स्कूप ही ठीक है. और अगर आपको और जल्दी गेन करना है तो कोकोनट ऑयल को खाने में इंकॉर्पोरेट करना शुरू करिए अपने सारे मील्स में. और बाकी तो कई सारे वीडियोस बने हुए हैं, बट इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोना शो यू द सप्लीमेंट स्टैक विच आई एम गोना बाय फ्रॉम अ वेरी ट्रस्टेड डीलर ऑफ जयपुर. तो स्टे ट्यून, देखिए मैं क्या क्या चीज़ें लेता हूँ आज. ये वे प्रोटीन की वैरायटी है, तो ये बिग मसल्स जो हैं ये तो इंडियन कंपनी है, गेनर्स भी हैं, और अल्टीमेट न्यूट्रिशन ये है, और ये मसल फार्म, ये मैंने अभी नेट पे भी सर्च किया तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, UFC को भी स्पॉन्सर करती थी. और ये मास गेनर्स हैं, नाइट्रोटेक अच्छा है, इट्स अ गुड ब्रांड. और उसके अलावा ये जो है आइसो प्योर और डायमेटाइज, ये दोनों बेस्ट हैं. तो जो यहाँ पर अंकल हैं, ही इज़ बीन टू दिस बिजनेस फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स नाउ, तो उनको बहुत अच्छी नॉलेज है. तो उस हिसाब से आइसो प्योर इज़ अ गुड ब्रांड, प्लस डायमेटाइज एलिट, एलाइट, आप जो भी बोलो 100% वे. उसके अलावा बिग मसल्स के हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड, नाइट्रोटेक, मास गेनर्स, और यहाँ पर भी हैं. तो बिग मसल्स के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, प्योर प्रोटीन भी है, लैब्राडोर न्यूट्रिशन वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोटीन्स आउट देयर, हंटर लैब्राडोर का ब्रांड है ये, और मसल मास के लिए है. इसमें आपका मास गेनर है तो मास गेन हो जाएगा. फिर वे प्रोटीन आ गए, प्रोटीन आ गया, और यहाँ पर आप BCAA देख सकते हो, प्री वर्कआउट्स हैं, डिटॉक्स, क्रिएटिन, और पंप के लिए भी है विटामिन सी, तो बहुत चीज़ें हैं. यहाँ पर जो अंकल हैं उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, और उनके अकॉर्डिंग ये नाइट्रो एज जो है इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, और उसमें बेल्जियन चॉकलेट है. ये कितने का पड़ेगा अंकल अपने को? देखिए ये है, इसमें देखिए 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 11.75 ग्राम्स ऑफ EAs, और 8 ग्राम्स ऑफ BCAAs, क्रिएटिन एंड ऑल द थिंग. ठीक है, इसमें सर्विंग 45 है, नाइट्रोटेक में 40 सर्विंग. अच्छा, इसमें 45, नाइट्रोटेक में 40 है. ये कितने का पड़ेगा? उसके अलावा आप देख सकते हो पीनट बटर्स भी हैं,
तो और ये एल कार्निटाइन जो कि फैट लॉस में काफ़ी काम आता है। क्रूड वे आई गेट्स ये नॉर्मल प्रोटीन है, अनफ्लेवर्ड है येस, और हेल्थ फार्म का भी है सिग्नेचर वे, अल्टीमेट न्यूट्रिशन का आइसो सेंसेशन। तो जो मैं पर्सनली लेने वाला हूँ दैट्स गोना बी डायमेटाइज, सो आई गेस इट वुड बी अराउंड 6,000 एंड आई एम गोना स्टैक इट अप विद BCAA। तो इसका मैं अभी प्राइस टोटल अंकल से पूछ लेता हूँ एक बार। जी देखिए इसके साथ ये 59 का पड़ेगा, इसके साथ में एक विटामिन फ्री है। ओके सो विद दिस यू आल्सो गेट अ विटामिन सी टैबलेट फ्री, मतलब ये पूरा नॉट अ टैबलेट इट्स एक्चुअली अ बॉक्स, सो गेट दिस फ्री विद दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ वे प्रोटीन। ये अपना अंकल मैं 6,000 का पड़ेगा ना ये, और BCAA ये 1800-1900 कितने का अंकल, 1900 का ये हो गया, प्लस इसके साथ ये कितने का पड़ेगा, फिश ऑयल नहीं, नॉट द फिश ऑयल, सॉरी मैंने मल्टीविटामिन चाहिए था मुझे, मल्टीविटामिन मसल टेक का मैंने पहले भी यूज़ कर रखा है, उसके पहले मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया था जो न्यूलाइफ का था, तो आप इसके चीज़ें देख सकते हो। तो बल्किंग स्टैक के हिसाब से जस्ट कीप इट सिंपल, ये 1200 का है टोटल। और एक बार अंकल मुझे इसका प्राइस बता देंगे, आइसो प्योर का कितना है अपना इस समय, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए ना शायद आइसो प्योर के, हज़ार रुपये बढ़ गए इस बार, तो ये कितने का पड़ेगा, ये 6,000 का है, ये भी 6,000 का है, और ये कितने का हो गया, ये है 6,300 ये तो बिल्कुल लो कार्ब है, इसमें कितना प्रोटीन है अपना, इसमें प्रोटीन हो गया अराउंड 25 ग्राम्स और कार्ब से 1.5 है। देखिए आप देखिए 26 ग्राम प्रोटीन, 26 ग्राम का स्कूप है, 0 कार्ब 0 शुगर है, ठीक है, आइसोलेट प्रोटीन है, बहुत शानदार आइसोलेट प्रोटीन, प्राइस में आपको वो मिल रहा है ना उस प्राइस में, ये प्राइस में ये 2 kg मिलेगा, 2 kg मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। बट ये इंडियन ब्रांड है और ये अपना अमेरिकन ब्रांड हो गया, मटेरियल सब बाहर का, अच्छा रॉ मटेरियल सब बाहर का, बिग मसल्स का। और ये भी आप ले सकते हो प्रोटीन, और ये सिंपल रॉ प्रोटीन है ना, हाँ, ये कितने का पड़ता है, ये टेस्टलेस है, टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, फिर भी ये कितने का पड़ेगा एक आइडिया, MRP 2250 है, 2250 है, 3200 है, आइसोलेट है ना, 3200 ये पूरा कितने का पड़ जाएगा स्टैक, ये तीन का स्टैक कितने का पड़ेगा, और 6,000 तो इसका हो गया, और ये BCAAs हैं, ब्रांच इन अमीनो एसिड्स, 9,100 का पड़ेगा। बिग मसल्स का ये फ्रीक भी आता है, और ये काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं यहाँ पर, फ्रूट पंच, पाइनएप्पल और ऑरेंज BCAA, और ग्रीन एंड फ्रूट्स भी हैं, पर बल्किंग साइकिल में मैं वे प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ इस समय, मल्टी ऐड करवाऊँगा, और BCAA और मल्टीविटामिन, तीन चीज़ें बेसिक रखूँगा, और फैट बर्नर्स भी हैं, बट ये कटिंग में देख लेना, अगर किसी को कटिंग करनी हो तो फैट बर्नर ये बहुत अच्छा है न्यूट्रिक्स का, लिपोसिक्स, मेरे ट्रेनर मुझे हमेशा ये रिकमेंड करते थे जब मैं थोड़ा मोटा था। और सिंपल भी आप देख सकते हो, ये यहाँ की रिकमेंडेशन है, बाकी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ दैट्स गोना बी डायमेटाइज एलिट एंड इट्स कॉस्टली, स्लाइटली कॉस्टलियर देन द इंडियन ब्रांड्स, बट ठीक है मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, और 63 सर्विंग्स है इसके अंदर, और ये भी अच्छा ब्रांड है आइसो प्योर।